దేశవ్యాప్తంగా గడిచిన 24 గంటల్లో 43 కొత్త కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయని తెలిపారు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ. 24 గంటల్లో కరోనా దెబ్బకు 4 మృతి చెందారు. దేశంలో మొత్తం 649కి వైరస్ సోకినట్టుగా స్పష్టం చేశారు. అందరూ తప్పకుండా లాక్డౌన్ పాటించాల్సిందేనని సూచించారు. దేశవ్యాప్తంగా గడిచిన 24 గంటల్లో 43 కొత్త కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయని తెలిపారు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ. 24 గంటల్లో కరోనా దెబ్బకు 4 మృతి చెందారు. దేశంలో మొత్తం 649కి ఈ వైరస్ సోకినట్లుగా స్పష్టం చేశారు. అందరూ తప్పకుండా లాక్డౌన్ పాటించాల్సిందేనని సూచించారు. అభి తక్ హమారే దేశ్ మే టోటల్ 649 कन्फर्म केसेस पाए गए हैं. उन केसेस के ऊपर एज पर प्रोटोकॉल हम रिक्वायर्ड एक्शन ट्रीटमेंट फॉलोअप कर रहे हैं. इसके साथ ही 13 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं. अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटे में 43 नए कन्फर्म केस आए हैं और 4 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं. मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो हमारे पॉजिटिव केस आए उनके लिए और साथ ही हमारे जो केसेस आए उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट हो उसके लिए और इसके साथ ही जो हमारे और पैसेंजर्स इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो पिछले कुछ दिनों में पिछले करीब एक महीने में देश में आए हैं और इसी तरह से जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं उनके लिए ट्रेसिंग करते हुए उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका फॉलोअप भी कर रही है. हमारी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज जो स्टेट्स हैं वो उनको इम्प्लीमेंट कर रही हैं. सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत मुख्य भूमिका हो सकती है हमारी कोविड मैनेजमेंट में ताकि हम उसके द्वारा हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ सकें. उसके लिए भी जैसे आप सब लोगों की नॉलेज में है पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के बारे में कहा था कि हम इस लॉकडाउन के द्वारा जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक कर सकें.